शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सामाजिक पर्यावरण में सुधार के लिए जनता से संयुक्त परिवार में रहने की अपील की है। मार्मिक अपील करते हुए तोमर ने कहा कि कोरोना काल में सबने अपनों को खोया है, परिवार सूने हो गए हैं। ऐसे में संयुक्त परिवार में रहने की भारतीय परंपरा को एक बार फिर जीवंत करने की आवश्यकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपे सालार प्रद्युम्न सिंह तोमर भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। तोमर का मानना है कि एक साथ रहते हुए एक दूसरे की मदद करना आसान होता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपसे कुछ आग्रह कर रहा हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर के सबसे बड़ा दायित्व है कि इस समाज का पर्यावरण ठीक, और इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सामाजिक पर्यावरण में सुधार के लिए जनता से संयुक्त परिवार में रहने की अपील की है। मार्मिक अपील करते हुए तोमर ने कहा कि कोरोना काल में सबने अपनों को खोया है, परिवार सूने हो गए हैं। ऐसे में संयुक्त परिवार में रहने की भारतीय परंपरा को एक बार फिर जीवंत करने की आवश्यकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपे सालार प्रद्युम्न सिंह तोमर भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। तोमर का मानना है कि एक साथ रहते हुए एक दूसरे की मदद करना आसान होता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपसे कुछ आग्रह कर रहा हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर के सबसे बड़ा दायित्व है कि इस समाज का पर्यावरण ठीक, और इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।